नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। विराट कोहली कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां दोनों देशों के बीच तीनों ही फॉर्मेट की सीरीज खेली जानी है। इस दौरे की शुरुआत वनडे सीरीज के साथ हो रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच शुक्रवार 27 नवम्बर को खेला जाएगा। इस वनडे मैच में कप्तान कोहली किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकते हैं, किस मैदान पर कब और कहां ये मुकाबला खेला जाएगा, इसके अलावा मैच की टाइमिंग के साथ साथ वेदर और पिच रिपोर्ट हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं होने वाला है। आपको बता दें 27 नवंबर को भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:10 पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हो जाएगा, जो कि सिडनी के मैदान पर ही खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली उपकप्तान रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में शिखर धवन और मयंक अग्रवाल की ओपनिंग जोड़ी के साथ उतर सकते हैं। वहीं केएल राहुल भी प्लेइंग 11 में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन वो बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज नंबर 5 पर खेलेंगे, क्योंकि टीम में ऋषभ पंत नहीं है। कप्तान विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे, क्योंकि उनको ये नंबर पसंद है, जबकि नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा। नंबर 5 पर केएल राहुल होंगे, जबकि नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या को मौका मिल सकता है। हार्दिक पांड्या के साथ परेशानी वाली बात ये है कि वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। गेंदबाजी विभाग में विराट कोहली ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी और जसप्रीत बुमराह के साथ मैदान में उतर सकते हैं। बात करें पिच रिपोर्ट की, सिडनी के ग्राउंड पर हमेशा से बल्लेबाजों को ज्यादा मदद मिलती है, हालांकि दूसरी पारी में स्पिनर्स हावी जरूर रहते हैं। इस पिच पर 260 से 270 का स्कोर पार स्कोर माना जाता है। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो सिडनी में मैच के दिन तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है, हालांकि हल्की बारिश का भी अनुमान है। टीम इंडिया ने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।